नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोनगर के हृदयसल घंटाघर के समीप आज चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत ये घटना सामने आई है। कुछ व्यापारी चाय पी रहे थे, तभी एक युवक वहां पहुंचा, जिसके द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। बताया जाता है घायल युवक पंकज जड़िया है, जो कि रुद्राक्ष ज्वेलर्स के मालिक हैं। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जिला अस्पताल पहुंचे। बीजेपी के नेता हैं पंकज जड़िया, जो इस समय घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। पंकज जड़िया का कहना कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। मामले की जानकारी लगती है नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं नगर कोतवाली TI विजय राजपूत मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी घायल से ली गई। क्या नाम है आपका? मैं पंकज जड़िया हूँ। मैं रुद्राक्ष ज्वेलर्स का ऑनर हूँ। रुद्राक्ष ज्वेलर्स का शोरूम बंद करके मैं सोनू कपिल जैन स्टोर वाले के मालिक सोनू जैन जी, राजकुमार स्टोर वाले सोनू, अरविंद रजक जी, ऋषभ यादव जी, हम लोग चारों पांचों लोग घंटा घर पे जो लंकेश चाय वाला है उनके यहाँ चाय पीने के लिए आए। चाय पी रहे थे कि इतने में मुझे खड़े खड़े बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने ये हाथ पे उसने चाकू मारा। फिर उसके बाद जब मैं पलटा तो उसने तीन चार जितने भी घाव, मुझे नहीं पता कितने घाव पीछे मारे हैं, लेकिन उसने घाव मार के उसने दौड़ लगा दी। जब तक हम नहीं, मैं नहीं जानता उसके लिए कौन है वो, क्योंकि मुंह पे कपड़ा बांधे था, कैप लगाए था और पतला दुबला था, ये जरूर है। कितने लोग थे भैया वो? जब उसने ये वारदात की उस समय तो एक था, लेकिन जो मेरे मित्र उसके पीछे भागे हैं तो उन लोगों ने बताया वो लोग तीन लोग थे और नगर पालिका गेट के पास से या आगे से गाड़ी पे बैठ के चले गए। एक घंटा हो गया होगा लगभग मेरे ख्याल से। वही भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया भी जिला अस्पताल पहुंचे, घायल से उसका हाल जाना। घटना के संबंध में मीडिया से उन्होंने चर्चा की, क्योंकि किस परिस्थिति में हुआ ये तो अभी पता नहीं, तो उस बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। क्या मानते हैं आप बीच घंटाघर पे चाकू चले? बीच घंटाघर में क्या, पार्लियामेंट में गोली चल सकती है, आतंकवादी वहाँ आ सकते हैं। अब हम बीच घंटाघर की बात करके उसको अगर हम सेंसेशनलाइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये सही परिप्रेक्ष्य में हम बात को ले जा रहे हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था पर प्रश्न हो सकता है, पर जिस दिशा में हम बात को ले जा रहे हैं मुझे नहीं लगता सही परिप्रेक्ष्य में है। एक घंटे में दो चाकूबाजी की घटना हुई है, कहाँ तक? अब ये तो पुलिस देख के बताएगी कि कुछ लोग नशे में थे, किस तरह का नशा कर रहे थे और क्यों इस तरह की घटना हुई, ऐसा सुनने में जो आया ये तो तभी बाद में पता लग सकता और तभी कह सकते हैं। दमोनगर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि एक और मामला सामने आ गया। दमो के महाकाली चौराहे के आगे एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। राहुल कोरी घायल युवक का नाम है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसका कहना कि उसे नहीं पता कि उसके ऊपर चाकू से हमला क्यों किया गया, उसकी किसी से कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। इस संबंध में घायल राहुल कोरी के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? राहुल कोहली। कहाँ के रहने वाले हैं? नरसिंह मंदिर के यहाँ एक अच्छा मोहल्ला। कहाँ जा रहे थे आप, क्या हुआ है? हम थोड़ी काम से जा रहे थे कुरियानी मोहल्ला, तो हम उधर तक नहीं पहुँच पाए। बीच में आए भी थोड़ी गाली गाली बकन लगी, हमने कछु नहीं कही। अब सीधे उन्नीस सीधी जब कुमारी वो सीधे निकल गई गाड़ी से। कहाँ की घटना है? झगड़ा गया उसकी। कौन थे वो लोग जिन्हें मारा? नहीं जानते साहब। काय से थे? स्कूटी गाड़ी से आते जाना था। कैसे कलर की गाड़ी लिए थी? गाड़ी नहीं देख पाया था, वरना सीधी मारी। हम साइकिल की दुकान पे रुको, हमने तो वहाँ दर्द ध्यान नहीं किया। किसी से कोई विवाद चल रहा? नहीं, कोई विवाद नहीं। क्या नाम है आपका? राहुल कोहली। कहाँ के रहने वाले हो? नरसिंह मंदिर के यहाँ कछियान मोहल्ला। एक घंटे में दो चाकूबाजी की घटना हुई। इस संबंध में हमने नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से चर्चा की, तो उनके द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। समय पहले सूचना प्राप्त हुई घंटा घर पर
पंकज चढ़िया को और आगे महाकाली चौराहा तरफ राहुल पुरी को इस अज्ञात एक दो लोगों ने जो है चाकूबाजी की घटना की है। हालत उनकी स्टेबल है, स्टैबिंग जो है वो डॉक्टर ने बताया है। इन लड़कों को लगातार ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज कहाँ ले जा रहा है और हम पूरी कोशिश में हैं जल्दी गिरफ्तार। सर कितने लड़के हैं सर वो चाकूबाजी के? 4 लड़के बताया जा रहा है जो संभवता एरिया में मूव कर रहे हैं और अभी हम उनकी कुछ आसपास लोकेशन उनको ट्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।